क्वेश्चन है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न अप्रोच ऑफ एजुकेशन, बीएड, डीएलएड, एमएड में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में दो तीन आंसर होंगे। एक तो ये होगा कि एंशियंट वेस्टर्न फिलोसोफर कौन से हैं और मॉडर्न कौन से है, उसकी डिस्टिंक्शन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बस क्रोनोलॉजिकली उनको जो है अरेंज कर दिया है। दूसरा है कि जो पिछला वीडियो इतना 29 डेफिनेशन थी उनको याद कैसे रखना है। जरूरी नहीं है 29 देनी है, आप 10 भी दे सकते हो, 15 भी दे सकते हो, 12 भी दे सकते हो, 8 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आपने याद इजी यहां कैसे रखनी है, मैं ये मेरा ये सुजेशन है हमेशा के लिए, जो इजी लगता है, जो आपको समझ ज्यादा आता है, या जो कोटेशन आपके लिए छोटी है, माइंड में जल्दी बैठ जाते हैं, वही बातें इजी और अंडरस्टैंडेबल, उसको याद रखिए, एग्जाम बेटर होगा, चिंता कम होगी। ये ह्यूमन लाइफ, ये बातें याद करने के लिए नहीं है, किसी और पर्पज के लिए है। तो क्रोनोलॉजी अरेंज करके मैंने एक बताने की कोशिश की है कि जो पहले थिंकर हैं सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल। पहली तो बात यह है कि सोक्रेटिक के स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अलेक्जेंडर जो थे, जिन्हें हम कहते हैं बंदर। तो इनको मैंने क्रोनोलॉजिकली जब इनका बर्थ और डेथ हुई थी, और साथ में ये भी लिखा है कि इनका सेंट्रल आइडिया डेफिनेशन का क्या है। अगर आप अरेंज ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं सिर्फ यहां सिर्फ नाम बोलूंगा कि इसके बाद क्रोनोलॉजी के ये आते हैं, क्योंकि ये टीचर हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है सोक्रेटिक, प्लेटो है ना, अरिस्टोटल, तो ये बीसी में है, है ना, बिफोर कास्ट में आ रहे हैं। तो ये एंशियंट में सिर्फ तीन आ रहे हैं, बाकियों को मेरे ख्याल में नहीं रखा सकता। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सिर्फ लॉजिक रख रहा हूँ आपके सामने। इसके बाद में जो मतलब कम्युनिस्ट, इसको इनको क्यों रखा है यहाँ पर, डिस्टिंक्शन मैंने क्यों की हुई है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है, मॉडर्न एजुकेशन के फादर है। अगर मॉडर्न के फादर है, नेचुरली ये एंशियंट नहीं हुए, ऐसी पेस्टोलॉजी को पेडागोजी के फादर कहा जाता है। सो कम्युनिस्ट से शुरू होते हैं, कम्युनिस्ट 1592 से, जन्म 1670 में, लॉक है, उसके बाद कांत है, रूसो हैं, ये फिलोसोफर मेन हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, हॉर्ने हैं, फ्रॉबल है, जो प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी, प्री स्कूलिंग एजुकेशन के लिए मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, है ना, फादर ऑफ प्ले वे मैथड, इसको भी लर्न कर सकते हो, प्ले वे मैथड इन्होंने याद किया था, किंडरगार्टन, केजी, इनकी बातें कर सकते हैं। एडम है, उनके बाद पेस्टोलॉजी है, फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी, मान दी ग्रेट, ऐसे याद रखा था, हर्बर्ट, उसके बाद स्पेंसर, नन, यूनिकनेस याद रखा था, जॉन डेवी इंपॉर्टेंट, व्हाइट हेड है ना, एप्लीकेशन इनका भी ऐसे ही याद है मुझे, अभी याद करते हैं, मोंटेसरी, उनके बाद फ्रॉबल के साथ मोंटेसरी है, इन्होंने साइंटिफिक, क्योंकि डॉक्टर थे ना, पहली लेडी डॉक्टर थे, तो इन्होंने सेंसेस पर काम किया था। चलो रेमंड है, उसके बाद प्याजे हैं, जीन प्याजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी भी पढ़ोगे, गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है, यूलिच है, थॉम्सन है, मार्टिन लूथर है, मेलकॉम एक्स है, मंडेला, नेल्सन मंडेला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो ये डेफिनेशन है छोटी छोटी, जहां ये आइडियाज है, एज ए कोटेशन आप किसी और पेपर या किसी और क्वेश्चन, इसी पेपर के क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं।